क्रिकेट के सितारे बाबर आजम को सितारे इम्तियाज से नवाजा जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान को आलमी सतह पर मुतअद्दिद सजात हासिल करने वाले बाबर आजम को अपने मुल्क में अवार्ड देने का भी ख्याल आ गया। कौमी क्रिकेट टीम की क्यादत के फराइज सर अंजाम देने वाले बाबर आजम को बतौर कप्तान बेहतरीन कारकर्दगी और नुमाया खिदमात के एतराम में पाकिस्तान के आला सिविल अजा से नवाजा जाएगा। यौम पाकिस्तान की तकरीब के मौके पर कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को सितारे इम्तियाज से नवाजा जाएगा। वो ये एजाज हासिल करने वाले कम उम्र तरीन खिलाड़ी होंगे। बाबर आजम अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज का हिस्सा नहीं है, इसलिए वो 23 मार्च को मुनक़दा तकरीब में शिरकत करके अपना अवार्ड खुद वसूल करेंगे। बाबर आजम अब तक वर्ल्ड क्रिकेट के कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं, जबकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की रैंकिंग में भी इनका कई साल पहला नंबर रहा है, लेकिन हुकूमत की जानब से इनकी खिदमत का एतराफ नहीं किया गया था। काबिले जिक्र बात यह है कि मिसबाह उल हक, यूनस खान, शाहिद अफरीदी और सरफराज अहमद समेत 4 साबिक कप्तानों को क्रिकेट में इनकी शानदार खिदमत पर मुल्क के तीसरे बड़े सिविल एजाज से नवाजा गया था। इनसे पहले सिर्फ 4 दीगर क्रिकेटर्स को इनकी शानदार खेलों की कामयाबियों पर सितारा इम्तियाज का अवार्ड मिला था। इनमें 2011 में मोहम्मद यूसफ, 2015 में सईद अजमल, 1992 में जुवेद मियांदाद और 2005 में इंजमाम उल हक शामिल हैं। इससे कबल पाकिस्तान के साबिक कप्तान सरफराज अहमद सितारा इम्तियाज हासिल करने वाले सबसे कम उम्र पाकिस्तानी क्रिकेटर थे। तहम अब ये एजाज भी बाबर आजम के नाम होने जा रहा है।